जोधपुर के किलो से कम है क्या ये डुमराव का किला? ऐसे किलो का बिहार में कितना रखरखाव हो पाता है ये तो आपको भी पता है, लेकिन ये किले बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे किलों को जब राजाओं ने बनवाया था तो उनके प्रति एक सम्मान था, एक आदर था, और आज भी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और ये गर्व से कहते हैं कि ये किला हमारे डुमराव की शान है। डुमराव, राजाओं का शहर, बिहार का एक छोटा सा पर जबरदस्त नगर, शहीदों की भूमि कहिए या धरिक्षणा कुंवरी का आंगन। धरिक्षणा कुंवरी के नाम पर ही तो इस शहर को कॉलेज मिला है जिसे हम डीके कॉलेज के नाम से जानते हैं, पर अधूरी रह गई जो वो बिस्मिल्ला खान की शहनाई। जिस शहनाई की पूरी दुनिया दीवानी है, उन्हीं बिस्मिल्ला खान का ये पैतृक शहर उनकी याद में कुछ न कर सका। पर हर डुमरावासी इस बात पर गर्व जरूर करता है कि बिस्मिल्ला खान जैसा रत्न इस भूमि पर पैदा हुआ, तो गर्व इस बात पर भी है कि डुमराव राजघराने के अंतिम महाराजा और देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे युवा सांसद राजा कमल बहादुर सिंह ही थे जिन्होंने अपनी प्रजा का साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने दरभंगा महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर आज डुमराव महाराज की कहानी सुनकर चौंक जाएंगे। महाराजा कमल बहादुर सिंह और उनके पूर्वजों ने अपने क्षेत्र के लिए कई अहम काम किए हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कई काम किए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं जिनमें आरा के महाराजा कॉलेज, जैन कॉलेज, डुमराव में राज हाई स्कूल समेत राज अस्पताल का निर्माण करवाया। आपको बता दें, इसी राज हाई स्कूल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने मैट्रिक का परीक्षा दिया था और राज अस्पताल का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। उन्नीस में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताएं कि इससे पहले 1936 में भी कुछ वार्ड यहाँ पर तैयार किया गया था। ये डुमराव का राज हॉस्पिटल है। आपको सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाना है कि डुमराव कितना प्राचीन नगर होगा कि जब यहाँ 1939 यानी कि जो लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये धरती वीर जवानों की है। ये इस धरती की खूबसूरती है, डुमराव की खूबसूरती है कि आज भी आपको वो पुरानी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, हम आपको एक बार वो पढ़ के बताते हैं। लेडीज सिस्टर मैटरनिटी वार्ड, ये महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह जिनके द्वारा ये ओपनिंग हुआ था इसका 1939 में। अब अगर इसके अलावा हम बात करें तो चलिए हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि दिस फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैटरनिटी वार्ड वॉज लेड बाई हर एक्सेलेंसी लेडी सिस्टर ऑन द 15 जनवरी 1936 यानी कि 1936। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पुरानी इतिहास हो सकती है हमारे लिए, और हमें गर्व करना चाहिए अपने डुमराव पर कि हमारे डुमराव में ऐसी ऐसी प्राचीन चीज़ें आज भी मौजूद हैं। भले ही लोगों को नहीं पता है, आज के दौर के युवाओं को नहीं पता है, लेकिन अगर जो डुमराव के युवक, बक्सर जिला के युवक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद उन्हें यह पता चलेगा और शायद इन चीज़ों की वजह से वो डुमराव पर गर्व करके कहेंगे कि हाँ, हम डुमराव के रहने वाले हैं। हमारे डुमराव में ऐसी बहुत सारी धरोहरें हैं जिन्हें हम बारी बारी आप तक लाते रहेंगे। पर आप देख सकते हैं कि दिस मैटरनिटी वार्ड वॉज ओपन बाई हिज एक्सेलेंसी सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, गवर्नर ऑफ बिहार ऑन द 30 जनवरी 1939। तो वही राजा कमल बहादुर सिंह ने प्रताप सागर में मेथोडिस्ट कॉलेज, बक्सर का MV कॉलेज, बलिया में वीर कुंवर सिंह कॉलेज समेत कई फैक्ट्रियों का भी निर्माण इनके और इनके पूर्वजों द्वारा करवाया गया था। डुमराव में आज भी महाराज का किला उसी शानो शौकत से खड़ा है जिसके द्वार को देखकर आप महल की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी महल में स्थित बिहारी जी का मंदिर पूरे जिले में लोकप्रिय होने के साथ साथ अपनी महानताओं के लिए भी जाना जाता है। बिहारी जी का ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक साधना है इस शहर के लिए। ये प्यार है उन नगरवासियों का जिसे बिहारी जी ने खूब प्यार से पुचकारा है, और डुमराव महाराज की तरफ से ये एक खूबसूरत दिन है अपने नगरवासियों के लिए। इसी राजगढ़ में महारानी उषा रानी बालिका उच्च विद्यालय भी स्थित है। इस किले में सूर्य घड़ी देखने लायक रहा है जो सूर्य के हिसाब से वक्त बताता था। यही है वो सूर्य घड़ी जो कि सूरज के हिसाब से वक्त बताता था। पुराने लोग अगर मिलेंगे तो वो बताएंगे कि कैसे इसमें वक्त देखा जा सकता था, पर अभी तो सिर्फ देखने के लिए फिलहाल यही है। डुमराव महाराज हमेशा अपनी प्रजा के साथ रहे, उनकी ये खासियत आज भी इस शहर के लोगों की जुबान पर है। महाराज का घर परिवार आज भी डुमराव से 3 किलोमीटर दूर भोजपुर में निवास करती है जो आज भी अपने लोगों से प्रेम भावना रखती है। यही खासियत है इस राजघराने की।